हेलो दोस्तों, पिछली बार मैंने बताया था कि हम लोग 360 रेंडर कैसे निकालते हैं 3DX Max के अंदर और उसको व्यू कैसे करते हैं 3DX Max के अंदर। अगर मेरे को वही 360 व्यू अपने क्लाइंट को भेजना है बिना फेसबुक पे अपलोड किए, यानी कि फेसबुक पे अपलोड करके सब लोग डालते रहते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जैसे मैंने 360 बनाया हूँ यहाँ पर, इधर पर प्रोपर डिटेल्स एंड यहाँ पर मैं दूसरे इंटर में भी एग्जिट और इंटर कर सकता हूँ। अगर आपको इस तरह का बना के अपने क्लाइंट को भेजना है तो कैसे करेंगे, अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। Pixany.com, यहाँ पर आपको मिलते हैं 3D Max मॉडल एंड टेक्सचर्स और भी बहुत कुछ। और भी ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इधर पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग, मैंने इधर पे दो इंटर लिया हूँ, यहाँ पर दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। मैं दो इंटर को एक मैं डालूंगा, दो जो यहाँ पे देख सकते हो, दो 360 रेंडर किए हुए है इमेजेस हैं, जैसे मैंने आपको 3DX Max में बताया था वैसे ही रेंडर किया हुआ ये इमेजेस है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम वही उतना ही साइज़ का जितना साइज़ का मैंने बोला था, 5000x2500 इस साइज़ का, ठीक है। तो दोनों उसी साइज़ के हैं। तो अभी इन लोगों को मैं अभी एक 360 प्रोजेक्ट फाइल बना के दिखाऊँगा मैं आपको, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे और क्लाइंट को कैसे भेज सकते हैं, वो क्लाइंट कैसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। चलो फिर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक होता है, एक ये है, जो ये इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। एक वेबसाइट है, ये है एक वेबसाइट मर्जी पैनो टूल। तो इसके अंदर जो मेरे को अभी यहाँ पर से उसका जो फाइल है डाउनलोड कर सकते हैं, मगर जाकर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा ऑनलाइन भी काम हो सकता है, तो बेकार का डाउनलोड करके क्या, तो ऑनलाइन हो सकता है तो फिर क्या चीज़। तो इधर पे ऑनलाइन में जाने के लिए इधर पे क्लिक करना है मर्जी पैनल टूल। तो इधर पे आ रहा है कि ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इधर बोल रहा है कि आपको कौन कौन से बनाने हैं, जो भी बनाना है आपको इधर पे साइजेस दिए, मैक्सिमम साइज़ ये इतना सपोर्ट करेगा। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको स्पेयर बना रहे हैं, क्यूबिकल साइज़ में इतना और स्पेयर साइज़ में इतना होना चाहिए। तो ये इमेज साइज़ बताया है, इमेज साइज़ इतना मैक्सिमम जाएगा, मगर मिनिमम आप कितना भी रख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम ये इतना ही पकड़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पकड़ेगा वो, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ, दोनों को कर लेता हूँ इसमें ओपन। तो दोनों ओपन है, इंटीरियर 1 एंड इंटीरियर 2 दोनों तरह अपलोड हो रहे हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो। जैसे ही मैंने अपलोड किया वैसे मेरा 360 यहाँ बन गया, ठीक है, यहाँ पर मेरा 360 रेडी होके आ गया है। अभी तो इसको पूरा और भी हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे इसके ऊपर, ये आपको मैं दिखाता हूँ ये हम लोग कैसे करेंगे। तो ये एक मिनट, पहले अपलोड हो जाने देते हैं पूरे पूरे को एक साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेटिंग में बता दूँ, इधर प्रोजेक्ट सेटिंग्स है, तो इसमें और इसमें ज़्यादा मेरे को फ़र्क लगा नहीं, ड्रैग एंड QTBR में उतना मेरे को फ़र्क लगा नहीं। अगर आपको कुछ फ़र्क लगता तो आप यूज़ कर लीजिएगा। ऑटो रोटेशन यानी कि इसको हम बंद कर दो तो ऑटोमेटिकली जो रोटेशन हो रहा है वो नहीं होगा मुझे, जब यहाँ पर हम लोग को बटन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जब हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि एक्सपोर्ट करें तो बटन दिखना चाहिए ताकि उधर हम लोग कंट्रोल कर सके, तो इस पर भी मार्क कर लेना है। फुल स्क्रीन बटन भी होना चाहिए ताकि फुल स्क्रीन में भी देख सके आराम से, इसको भी मार्क कर लेता है। फिर इधर पर आता है इन्फो हॉटस्पॉट, यानी कि हम लोग किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको टेबल दिखा दूँ, जैसे किसी क्लाइंट को बताना है कि ये है टेबल आपका ये दिस, तो इसको ये टेबल है वुडन टेबल, डाइनिंग टेबल है, तो लिख सकते हैं डाइनिंग, क्या तो इधर पे लिख सकते हैं कि ये कौन से फिनिश का है, ऐसा कुछ डिटेल उसके बारे में लिख सकते हैं ताकि क्लाइंट उस पर क्लिक कर उसको पता चले कौन से फिनिश का है, क्या क्या मटेरियल अप्लाई किया गया है, वुडन फिनिश एंड गोल्डन लैग, तो भी लिख सकते हैं, मैं इधर पर लिख रहा हूँ। ये हो गया डन, उसको कर देते हैं यस। ये मेरा एक बन गया एक डिस्क्रिप्शन, जैसे कि अगर मेरे को अभी अपने ये वॉलपेपर के बारे में को डिटेल देनी है अपने क्लाइंट को तो उधर पे भी दे देते हैं, यहाँ पर भी ये बता देते हैं वॉलपेपर कैसा है, वॉलपेपर फिनिश कैसा है, वॉलपेपर कौन से कलर का वॉलपेपर है, ब्राउन कलर वो तो दिख रहा है, मगर टेक्सचर्स कौन से है, कौन से कंपनी का टेक्सचर वो भी आप डिटेल में डाल सकते हो, मैं ABC कंपनी जो भी WQ कंपनी ऐसा कुछ लिख, सॉरी
जो भी आप डिटेल लिख सकते हो जो भी, हाँ उसके बारे में, यानी उस चीज़ जैसे कि ये पोस्टर के बारे में उसमें डालना है, इसके अंदर जो फिनिश डाला हुआ है, सोफ़ा के बारे में, सोफ़ा कौन से कंपनी का है, ये भी डिटेल आप डाल सकते हो। जैसे मैं टीवी के ऊपर करने वाला हूँ हॉटस्पॉट, टीवी कौन सी कंपनी का है, वैसे डिटेल में जब लिख सकते हैं टीवी, टीवी जो भी ले रहे हैं कंपनी एलजी, जो भी मॉडल है ए बी सी डी जो भी है, ठीक है ये रख दिया। और जैसे प्लांट कौन सा है, ये स्टैचू कौन सा है, ये फ्रेम कौन सा फ्रेम है, फ्रेम के बारे में डिटेल, फ्रेम फोटो फ्रेम, ठीक है फोटो फ्रेम हो गया। अभी यहाँ पर एक काम करते हैं, हाँ इसके बारे में डिटेल लिख देते हैं जो भी है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ ताकि समझने के लिए, ओके समझ में आ गया, कुछ भी जो भी इसके बारे में डिटेल्स है, मैंने जो भी आपका इंटीरियर में आप डालोगे जो भी इसके बारे में डिटेल्स होंगे वो डाल देना है। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई डोर है, यहाँ पर कोई डोर डाल रहे हैं, दूसरा मेरा जो है दूसरा जो इंटीरियर है वो ओपन होना चाहिए उस पर क्लिक करते ही, ठीक है, यानी कि डोर इधर से आउटडोर है यानी कि इधर से बाहर निकलने का एरिया है, तो इधर पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, क्लिक लोकेशन, हम लोग कोई दूसरा वाला जगह वन है तो दूसरा वाला इधर पे एक्टिव हो जाना चाहिए, ठीक है इस जगह पे, तो इधर मैंने मार्क कर दिया, बस मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पर, और डन एंड क्लोज डन, तो ये मेरा मार्क हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया। इधर पर हम लोग एक हॉटस्पॉट भी बना सकते हैं कि इधर पर क्लिक हेयर या फिर ऐसे लिख सकते हो, ऐसे जरूरी तो नहीं है, वैसे तो यहाँ पर तो लिख के आ रहा है कि इंटीरियर टू यहाँ से स्टार्ट होगा, जरूरी नहीं है, तो इधर पे जो भी डिटेल लिखना है जैसे कि इसके बारे में या फिर ये क्लासेस के ये ऊपर के सैंडलियर के बारे में, लाइट के बारे में, सॉरी ये हो गया। अभी इधर पे क्या है कि मुझे मेरा जो जैसे ही ओपन होगा मेरा पहले व्यू क्या आना चाहिए, इधर सेट इंस्टॉलेशन व्यू, यानी जैसे भी स्टार्ट होगा पहले क्या मेरा व्यू दिखना चाहिए, पहले मेरा व्यू ये दिखना चाहिए यानी कि चालू होते टाइम पे, ठीक है तो इसको सेट कर देते हैं, यानी कि ये मेरा फर्स्ट लुक होना चाहिए जैसे मेरा ये ओपन हो, ठीक है यानी कि जैसे मेरा ये 360 ओपन हो कौन सा पहले व्यू दिखना चाहिए, ये मैंने इस पे सेट कर दिया यानी कि इस एंगल पे सेट कर दिया मैंने। अगर मैं ऐसे पे सेट कर दूँ तो पहले ये वाला व्यू दिखेगा, फिर बाद में वो रोटेट करते रहेगा, हाँ अरे क्या करूँ, ओके ठीक है तो ये सब सारे मैं तो अभी सेट कर दिया इसके ऊपर। देन अभी आते हैं दूसरे के ऊपर, तब भी ये भी हम लोग का रेडी हो रहा है ऊपर, ये इंटीरियर टू है। अभी इधर पे मैं एक इंटीरियर वन का भी एक लिंक डाल देता हूँ। देन इस तरह से आप लोग जैसे कि आपका बेडरूम है, बेडरूम का आपने 360 बनाया है, आपने लिविंग रूम का जैसे लिविंग रूम का 360 बनाया है, आपने चिल्ड्रन रूम का 360 बनाया है, तो उसको ऐसे लिंक कर सकते हो, ठीक है इस तरह से। जैसे मैं यहाँ पर दो लिविंग रूम को लिंक कर रहा हूँ एक साथ में, लिविंग रूम के व्यू को लिंक कर रहा हूँ, सेम उसी तरह से आपको भी लिंक करना है इस तरह से जैसे मैंने इधर पर कर रहा हूँ। अभी इधर पर हम लोग जैसे कि इस टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे आपको अपने क्लाइंट को बताना है टेबल ये कौन सा टेबल है, टेबल कैसा फिनिश है, इसके ऊपर कौन सा वुडन मटेरियल अप्लाई हुआ है, तो वो आप लगा सकते हो इधर पे ऐड कर सकते हो, ठीक है तो सेम थिंग यहाँ पर भी वैसे ही अपडेट कर सकते हैं, या विंडो के ऊपर कौन से कर्टन लगे हुए हैं, कौन से क्वालिटी के कर्टन लगे हुए हैं, सॉरी कर्टन जो भी है एबीसी कंपनी जो भी है उस कंपनी का कर्टन लगा हुआ है, ओके तो अभी यहाँ पर भी वैसे ही आपका ये सब काम पूरा हो गया समझ लो, ये सब पूरा अपना काम हो गया, आपने सब कुछ सेट कर दिया डन। ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद, ये सब सेट हो जाने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको भी सेट कर दिया, इसको भी सेट कर दिया, सब कुछ सेट हो गया मेरा, तो उसके बाद करना क्या है, उसके बाद हमें करना है इधर पे है एक्सपोर्ट ऑप्शन, ठीक है एक्सपोर्ट जैसे ही क्लिक करोगे आप तो वैसे एक फाइल बन के आ जाएगी प्रोजेक्ट टाइटल,
के नाम से। इधर पे प्रोजेक्ट टाइटल हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट टाइटल हम लोग जो भी रख सकते हैं, ए बी ई, जो भी रख सकते हो। आ गया ठीक है, तो ये आ गया, तो इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट। आइकॉन नहीं आया, नो प्रॉब्लम, आ गया। अभी इसको हम लोग कर लेते हैं जो फोल्डर। अभी यहाँ पर मेरा देखो ये डाउनलोड हो चुका है, कुछ मेरा बना है यहाँ पर 3 MB का फाइल बना है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर ये मेरा फाइल आ गया, इसके अंदर जो इधर पे ऐप फाइल है यहाँ पर जाना है आपको। इधर पे आपको दिखेगा ये इंडेक्स, ये आपकी मेन 360 की फाइल है, आप इसको नाम चेंज कर सकते हो, इसको नाम अपने हिसाब से रख सकते हो, प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हो, ABC प्रोजेक्ट, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट या ABC व्यू, ताकि क्लाइंट को समझने में आसानी हो। ABC इंटीरियर, ताकि क्लाइंट को समझने, अभी समझ लो क्लाइंट अंदर ना घुसे, बाहर ही उसको करना पड़े, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम लोग इसका शॉर्टकट बना लेते हैं। शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, हम लोग शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे तरह से ट्रैक करेंगे, ये शॉर्टकट बन जाता है ठीक है। या फिर क्लिक करना है और ड्रैग करना है, देखो ड्रैग किया तो शॉर्टकट बन गया, या फिर ऐसे नहीं बन रहा है आपका शॉर्टकट तो फिर मैं इसको क्या मेन फाइल को डिलीट मत करना। तो जैसे कि अभी शॉर्टकट नहीं बन रहा है तो इधर पे ऑप्शन होता है सेंड टू में, इधर पे होता है डेस्कटॉप पे बन जाएगा शॉर्टकट, क्लिक करो ठीक है, सेंड टू में डेस्कटॉप, वो डेस्कटॉप पे बन के आ जाएगा शॉर्टकट, तो हम लोग डेस्कटॉप पे जाके वो शॉर्टकट को कॉपी करके ले लेंगे। और आपका जैसा मैं ट्रिक बता रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा है तो ठीक है, मेरा मेरा ये वाला कॉपी किया, फिर मैं जाता हूँ यहाँ पर, फिर करता हूँ पेस्ट, यहाँ पर आ गया मेरा ये शॉर्टकट। अब ये शॉर्टकट का काम, क्योंकि बोलोगे ये दोनों देखिए करेंगे क्या, इसका काम क्या है मैं बताता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ मैं, इसको लेके आता हूँ मैं बाहर की तरफ, ताकि ये सब जो ये रेडमी है इसको निकाल दो ठीक है। अभी आप चाहे तो एप्लीकेशन डेटा के जगह पे इधर पे अपना नाम लिखे तब शॉर्टकट बना सकते हो, तो काफ़ी ईजी रहता, तो नो प्रॉब्लम। इधर पर शॉर्टकट बना लिया हम लोग ने, इधर पर रख दिया हम लोग ने, तो ये क्लाइंट को भेज सकते हैं आराम से, ये क्लाइंट आराम से इसको एक्सेस कर सकता है, यहाँ पर जाके वो शॉर्टकट को रन करेगा तो ऑटोमेटिकली वो अंदर का उसको मिल जाएगा जो भी है ठीक है फाइल। देखिए शॉर्टकट को उसको बस रन करना है, यहाँ से रन करे तो डायरेक्टली उसकी फाइल जी आई दिखेगा, तो की जो फाइल है रन हो चुकी है। तो यहाँ से मैंने इसको लिंक पे सेट किया था मैंने सब कुछ, तो मैंने ऊपर इमोजी भी डाला था, वो भी आ गया साथ में आर्ट की इमोजी। तो अभी देखो फिर से रन करता हूँ इसको डबल क्लिक करके, और आपका रन नहीं हो रहा है, अगर आप अगर आप ओपन कर रहे हो गलती से आई थिंक, तो आप ओपन कर रहे होगे गूगल क्रोम के ऊपर, तो उसमें आई थिंक शायद से ना ओपन हो, या फिर थोड़ा टाइम ले, या फिर उसमें लोड करने में टाइम ले, कि उसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा तो होता है क्या बोलते हैं इसको, परमिशन चाहिए रहता है, वो परमिशन जब तक मिलेगा नहीं प्रॉपर तब तक नहीं एक्सेस होगा। ले जाके बेस्ट मैं बताता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा आप को बोलो कि आप डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोर सबके पास होता है, गूगल क्रोम भी सबके पास होता है, मैं गूगल क्रोम में एक्सेस नहीं हो रहा है ठीक है। तो बेस्ट होगा कि आप प्रॉपर एक्सेस करने के लिए उनको बोलो कि इंटरनेट एक्सप्लोर में ओपन कीजिए, तो इजिली ओपन हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोर, जो डिफ़ॉल्ट आता है हर किसी के पास होगा, हर विंडोज़ में होता है, पुराने विंडोज़ में, नए विंडोज़ में, सब में होता है इंटरनेट एक्सप्लोर ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट होता है विंडोज़ के साथ में, उसमें ओपन करना है। और डायरेक्टली उसमें ओपन होते होता है तो फिर थोड़ा सा परमिशन मांगता है कि जो ब्लॉक करने अलाउ करो ठीक है, अलाउ जैसे अलाउ करते हैं तो वैसे ही ये देखिए आपका ये ओपन हो जाता है 360 ठीक है। इसके अंदर बटन्स भी आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखिए मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर जूम का अभी ऐसे ओपन नहीं होगा, तो हम लोग इसको छोटा करेंगे तो हम लोग इसको जूम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे स्क्रोल करके भी कर सकते हैं, और इसका जूम वाला और ये माइनस वाला भी इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं ठीक है। और यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर मैंने वॉलपेपर के बारे में बताया था, क्लिक करेंगे तो इसके बारे में डिटेल आ जाएगा, जैसे क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ड्रैग करते ही तो ऐसे आ जाता है, टीवी क्लिक करते ही उसके बारे में डिटेल आ जाता है।
तो सेम ऐसे ही जो हम लोग ने यहाँ पर एक एक डार्ट है डिटेल, क्लिक करने पे उनके डिटेल आ जाते हैं, क्लिक करने पे उनके डिटेल आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से एक्सेस करने में आसानी होती है। और इस तरह से ये शॉर्टकट है ऊपर नीचे का, ऊपर और नीचे। ठीक है, यहाँ से आगे पीछे, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। जूम तो अभी नहीं, जब जूम छोटा जब होगा स्क्रीन तभी जाके जूम होगा। अभी मेरे को दूसरे इंटरव्यू में घुसना है, दूसरे इंटरव्यू में क्लिक किया, देखिए दूसरे इंटरव्यू में मैं आ गया वापस यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पहले वाले इंटरव्यू में फिर से जाना, क्लिक किया तो देखो फिर से वापस आ गया, जैसा इसमें एक्टिव किया था वैसे आ गया वापस। और यहाँ पर इसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग कर्टन का डिटेल भी आ गया जो भी हम लोगों ने डाला था यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग टेबल का डिटेल डाले थे भी आ गया। ठीक है, इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो, अपने क्लाइंट को भेज सकते हो। क्लाइंट को आप भेजोगे क्या, क्लाइंट को आप भेजोगे ये पूरा का पूरा फोल्डर ज़िप बना के। ठीक है, ये पूरा फोल्डर जैसे कि जैसा हम लोग को मिला था, ये पूरा फोल्डर ज़िप बना के, या फिर ये आप फोल्डर दे सकते हो का रीनेम कर दीजिए अपने प्रोजेक्ट वाइज। आपका ABC प्रोजेक्ट कंपनी का नाम है तो वैसा आप रख लीजिए। मैं इसका कंपनी का नाम रख देता हूँ यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल फोल्डर में। ऐसा नहीं कि वो फाइल करप्ट हो जाएगी, फाइल करप्ट नहीं होगी, नो पंगा, आप ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पर आप जो आपका मेन जो फाइल है इस पर लिख सकते हो कि लॉन्च दिस, क्लिक दिस, क्लिक हेयर, ऐसे लिख सकते हो, क्लिक हेयर, ओपन दिस, ऐसे लिख सकते हो, ताकि क्लाइंट को समझ में आ जाए कि ओपन करना क्या है। और समझ में आ जाएगा ओपन दिस, ओपन और 60 भी आ गया, डन। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इस तरह से अभी ये क्लाइंट अगर ओपन करेगा इस फोल्डर को, ये अगर शॉर्टकट भूल जाओ, चलो शॉर्टकट का झंझट छोड़ो, जैसे अंदर जाएंगे तो क्लाइंट ये देखेगा, इसको बोलने का, ये बोल देने का कि इसके अंदर ये फाइल है, इसको रन करना है आपको, आपका इमेज आपको नज़र आ जाएगा आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके PC के। जैसे वो रन करेगा और उसको अगर उसको नहीं दिखाई देता है तो उनको बोल देना है कि आपको इंटीरियर एक्सप्लोरर में इसको ओपन करना है, उसमें ही ये एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो बस इस तरह से आप अपने 360 व्यू को क्लाइंट को दे सकते हो बिना फेसबुक पे अपलोड किए। फेसबुक पे अपलोड करो तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा भाई आप कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो जो क्लाइंट को सीक्रेटली अपने पास रखना है, किसी को भेजना नहीं है, किसी को अपलोड नहीं कराना है, तो वो भी सारी चीज़ें आप अपलोड करते रहोगे तो वो क्लाइंट के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेस्ट होता है कि इस तरह से आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हो, सिर्फ आपके पास डेटा रहेगा और क्लाइंट के पास ना ही फेसबुक के पास डेटा रहेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। अगर आपको 3D मॉडल चाहिए तो आप pixlr.com पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे 3D मॉडल मिल सकते हैं। और आपको एक्सटीरियर के लाइटिंग के लिए लाइट सेटिंग और रेंडर सेटिंग की फाइल चाहिए तो वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आपको लिंक नहीं पता तो वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से उस पर क्लिक करके या फिर इस वीडियो के लास्ट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।